तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हो इस टाइप का एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करना, तो बहुत ही एक सिंपल टास्क है ये। मैं बोलूंगा आप लोगों को कैसे इस टाइप का स्टेटस क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो में बोले गए हर एक स्टेप को सही से फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। एंड दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन का आप अगर मॉड एप्लीकेट चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो को क्रिएट करने में जो भी मटेरियल का मैं यूज करूंगा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग एक एक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों फर्स्ट आप लोग क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के अकाउंट पर टच करना होगा एंड जो लास्ट 1:1 रेशियो है इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपना खुद का एक पिक्चर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पिक्चर का आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं एक पिक्चर फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो एक पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके, यहां से आप लोग थोड़ा सा जूम करके इस टाइप से सेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर टच कीजिए एंड दोस्तों इसको थोड़ा सा खींच के आप लोग 20 सेकंड तक कर लें। उसके बाद लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा एंड एक वीडियो है उसे आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है। तो मैं दिखा रहा हूँ कौन सा वीडियो है, तो इस वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर जाकर फुल स्क्रीन कर ले। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद ब्लेंडिंग पे जाना है एंड इसके स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस टाइप का इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पर जाना होगा, मीडिया पर जाना होगा एंड एक और एक वीडियो है उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये जो वीडियो है इसे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को इसे भी फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसे आप लोग ब्लेंडिंग पे जाना है एंड इसे भी स्क्रीन कर लेना है। तो देख सकते हैं इस टाइप का इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा एंड जो बॉर्डर वाला PNG है उसे आप लोगों को यहाँ पर सेट करना है। तो ये स्पिन जो को सेट करने के बाद थोड़ा सा आप लोग इस टाइप से जूम करके सेट कर लीजिए, ठीक है। तो सेट होने के बाद इस टाइप से लगेगा एंड दोस्तों इसको खींच के थोड़ा सा आप लोग बड़ा कर लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो बनकर आप लोगों का रेडी हो गया। आज का वीडियो बहुत ही छोटा था एंड दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया आप लोगों को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो जो भी मटेरियल का मैं यूज़ किया तो वो सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग एक एक करके डाउनलोड करके अपना खुद का एक पिक्चर देकर इस टाइप का एक स्टेटस बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं प्ले करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए प्ले करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों बहुत ही एक बेहतरीन स्टेटस बनकर रेडी हो गया है। आप भी बहुत ही आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हो मेरे बोले हुए हर एक स्टेप को सही से फॉलो करके। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करें एंड दोस्तों मेरी मेहनत सच में अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।